उत्तराखंड के ऐसे वीडियो देखकर पूरा देश कांप उठा। 7 साल बाद सबने इस तरह की तबाही फिर से देखी है। 7 साल पहले केदार घाटी में प्रलय आई थी, इस बार बद्रीनाथ घाटी में तबाही मची है। लेकिन इस बार ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये भी समझना जरूरी है। शुरुआती तौर पर यही पता चला है कि ये तबाही ग्लेशियर बर्थ से आई है। इसका मतलब है कि ग्लेशियर के किसी हिस्से का टूटना या फटना। इसी से उत्तराखंड के चमोली में ऋषि गंगा नदी में फ्लश फ्लड आया, यानी हिमस्खलन के बाद नदी ने विकराल रूप ले लिया और तबाही मचाते हुए सैलाब तेजी से नीचे आने लगा। जो 2013 में हुआ था बद्रीनाथ पे, वो एक क्लाउडबर्स्ट था और वहां पे बरसात के मौसम में वो हादसा हुआ था, वो डिजास्टर हुआ था। अब उसमें हालत में क्या थी कि पानी बढ़ता रहा क्योंकि बारिश होती रही। यहाँ पे आज की जो हालात है उसमें मेरे हिसाब से एक पहाड़ का टुकड़ा, पहाड़ की फ्रेश ताजा बर्फ का टुकड़ा जो कि पहाड़ से नहीं जम सका, गर्मी की वजह से वो पहाड़ से अलग हो गया और वो नीचे आ गया। ये सुबह 10:30 से 11 बजे की बात है, जब ग्लेशियर बर्स्ट के बाद अचानक ऋषि गंगा नदी अपने सैलाब से सब कुछ बहा ले जाने लगी। ये ग्लेशियर कैसे बनते हैं और क्यों टूटते हैं, जिससे कई बार इस तरह की तबाही भी आ जाती है, इसे भी हम आपको बताते हैं। बहुत ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में सालों तक भारी बर्फ जमा होने और एक जगह इकट्ठा होने पर ग्लेशियर बनते हैं। ये ग्लेशियर ज्यादातर आइस शीट यानी बर्फ की परतों के रूप में होते हैं और जब कोई भूगर्भीय हलचल होती है और इन परतों के बीच हरकत होने से ये ग्लेशियर कई बार टूटते हैं। ग्लेशियर या ये जो एक ग्लेशियर है ये नेचुरल डैम बनता है और ये नेचुरल डैम हाइट के ऊपर बनता है और ये जब अपनी जगह छोड़ देता है तो ये पानी जो पीछे का ब्लॉक करके रखा है वो पूरा पानी बहाता है। तो आप देखेंगे चाहे वो अलकनंदा है, भागीरथी है, वहां पे कुछ नहीं हुआ है। जो कुछ भी नुकसान हुआ है वो है ऋषि गंगा प्रोजेक्ट जो अंडर कंस्ट्रक्शन था। कई बार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी ग्लेशियर के बड़े बड़े टुकड़े टूटने लगते हैं, इसे ही ग्लेशियर बर्स्ट कहते हैं। हालांकि इस सर्दी के मौसम में उत्तराखंड में इस प्रकार से ग्लेशियर का टूटना हैरान भी करता है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक जब बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है और बहुत ऊंचे इलाकों में पहाड़ी नदियां या झीलें जमकर ग्लेशियर बन जाती हैं, तो इनके टूटने या फटने का खतरा बढ़ जाता है। हिमालय के इलाकों में कई ऐसी झीलें हैं जहां ग्लेशियर फटने का हमेशा खतरा रहता है। चमोली की आपदा का एक कारण ये भी बताया गया जो ऋषि गंगा नदी में प्रलय लेकर आया। ये बहाव इतना ताकतवर था कि नदी पर 13 मेगावाट पावर का एक हाइड्रो प्रोजेक्ट बह गया। अभी कारण तो विशेषज्ञ का विषय है, विशेषज्ञ बता पाएंगे कि उसका कारण क्या था, लेकिन अभी सरकार का पूरा ध्यान जो जिन लोगों की को हम जीवन दे सकते हैं, जिनका जीवन बचा सकते हैं, सरकार का पूरा ध्यान उनकी ओर है। ये तबाही ऐसी थी कि सैलाब के रास्ते में जो भी आया बह गया। ऋषि गंगा का दाहिना छोर और धौली गंगा के बीच का संपर्क सभी से टूट गया, कई पुल बह गए, लोग गायब हैं, गांव का संपर्क कट गया। तबाही कितनी हुई है अभी इसका पूरा आकलन नहीं हो पाया है। आज तक ब्यूरो।